आज कुछ बात कर लें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे। आजकल आप देखो तो मार्केट पूरी फ्लडेड है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड कंपनीज भी ऐसी क्लेम करती हैं कि अगर आपने हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाया तो आप भी सर अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह सोचने लगोगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं हमें गलती तो नहीं कर दी, कहीं हमें देरी तो नहीं होगी। काश मैं पहले से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खा लेता होता आज, या तो मैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर होता या एट पार होता। क्या आपको भी लगता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने से ऐसा कुछ होता है? चलो ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है ये हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले सेशन में, क्योंकि अभी दो वीडियोस और आ रहा है इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, जहाँ पे मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ मेरिट्स है इसका, किनको लेना चाहिए। एंड दूसरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्या कुछ डिमेरिट्स है, इसको लेने से क्या कुछ हो सकता है। तो बट आज का जो वीडियो है आज हम लोग यहीं तक लिमिटेड रहें तो अच्छा है। तो आज का वीडियो है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डोजेस क्या होना चाहिए एंड कब तक आपको लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तीन तरह के, आप देखो इसमें कंपाउंड सब्सटेंसेस मिलता है। वन इज ALA, दैट इज अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। सेकेंड इज EPA, आइकोसा पेंटेनोइक एसिड। थर्ड इज DHA, दैट इज ग्लूकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो इन तीनों का जो सोर्स है ये भी आप देखो तो बहुत डिफरेंट डिफर करता है। खासकर EPA एंड DHA की बात करें तो जनरली ये आपको फिश सोर्स से मिलता है, एंड अगर आप ALA की बात करो तो प्लांट सोर्स से भी आपको मिल जाता है। तो ये बहुत खुशी की बात हो गई। कुछ लोग स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग ऑफकोर्स दोनों होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको रेड मार्क मिला हुआ है इट मीन्स कि ये फिश से निकला हुआ है। अगर आपको ग्रीन मार्क दिया गया है तो आप समझो कि ये प्लांट सोर्स है एंड इसमें केवल एंड केवल ALA ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं डोजेस की। तो आप देखो जनरल एक नॉर्मल वेल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, अडल्ट के लिए डोज बनाया गया है 500 to 1000 mg पर डे। ओवरऑल अगर आप देखो, अगर इसे ऑन एन एवरेज बात करें तो 1000 mg, दैट इज 1 gram अ डे आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। एंड मार्केट में भी आप देखो अवेलेबिलिटी 500 की है, 800 की है, 1000 की है, 1500 की है, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। आप 1 gram तक आराम से ले सकते हो। कितना लेने के बाद ये हार्मफुल हो जाएगा? अगर आपने 3 gram के ऊपर ले लिया तो ऑफकोर्स ये हार्मफुल होने जा रहा है। मैक्सिमम लिमिट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 3 gram होता है। तो काइंडली 3 gram के ऊपर ना लें, अपने कंटेंट को जरूर देख लें कि इसमें ALA कितना है, इसमें EPA कितना है, इसमें DHA कितना है। तीनों को आप कैलकुलेट कर लें, ये 3 gram से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड तीसरी बात, कब तक ले सकते हैं? तो ऑफकोर्स 6 months तक अनइंटरप्टेड इजीली आप ले सकते हो। इससे कोई खास आपके बॉडी को नुकसान नहीं मिलेगा, हाँ फायदा जरूर हो सकता है। 6 महीने से ऊपर लेने की कोशिश ना करें। एंड जब टॉक्सिक ये देखा गया है, कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते होते हैं, खासकर आजकल आप देखो जिम्स वगैरह में भी इसे एडवाइस किया जाता है। लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत भयानक साइड इफेक्ट मिलता है बॉडी के ऊपर। क्या मिलेगा भयानक साइड इफेक्ट, ये आऊंगा मैं अपने अगले वीडियो में। आज का सेशन बहुत ही छोटा था, केवल डोजेस पे आधारित था। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें नहीं भी किया है तो, ताकि आने वाले समय में आपको भी अपडेट्स मिलती रहे। एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन।